इस सिरप का उपयोग पुराने से पुराने खांसी की समस्या को ठीक करता है, और जैसे कि यदि किसी को गीली खांसी की समस्या रहती है तो उसमें भी डॉक्टर के द्वारा यह सिरप पीने के लिए दिया जाता है, और जैसे कि यदि किसी के गले में खराश की समस्या रहती है तो उसमें भी डॉक्टर के द्वारा यह सिरप पीने के लिए दिया जाता है, और जैसे कि इस सिरप का उपयोग जब किसी को सूखी खांसी की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा सूखी खांसी की समस्या में भी यह सिरप पीने के लिए दिया जाता है, और जैसे कि इस सिरप का उपयोग छोटे बच्चों में या फिर बड़ों में अगर उनको सर्दी या फिर जुखाम की समस्या रहती है तो उसमें क्या होता है खांसी का भी समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है, और इस सिरप का उपयोग किस प्रकार की खांसी की समस्या में दिया जाता है या फिर मरीज को किस प्रकार की खांसी आती है या फिर मरीज को क्या दिक्कत क्या परेशानी रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये सिरप पीना कैसे होता है, ये सिरप एक दिन में कितना एमएल लिया जाता है या फिर बड़ों में ये कितना एमएल दिया जाता है या फिर छोटे बच्चों में कितना एमएल दिया जाता है, इस सिरप का डोज क्या होता है, इस सिरप का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये पूरा जानकारी आज हम आपको हिंदी में देने वाले हैं। जैसे कि इस सिरप का उपयोग खांसी की समस्या में पीने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है जब किसी को सूखी खांसी की समस्या रहती है या फिर गीली खांसी की समस्या रहती है, और जैसे कि ये खांसी लगातार 2-3 हफ्ता 1 महीना 2 महीना से कंटिन्यू ये खांसी की समस्या लगातार बना रहता है तब इस सारी समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये कफ सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये काफ़ी अच्छा खांसी के लिए सिरप होता है, और जैसे कि छोटे बच्चों में ये देखा गया है कि उनको सर्दी खांसी जुखाम बुखार की समस्या रहती है तब उस समय बच्चों में सूखी खांसी की समस्या रहती है या फिर गीली खांसी की समस्या रहती है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है, और जैसे कि इस सिरप का उपयोग गले में जब किसी के गले में खराश की समस्या रहती है तब भी डॉक्टर के द्वारा जो गले के खराश की समस्या रहती है तो उस समस्या को यह सिरप ठीक कर देता है। और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी को सूखी खांसी या फिर गीली खांसी की समस्या रहती है तो उस समय क्या होता है कि उसके सीने में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या हो जाता है, वो खांसता रहता है हमेशा, जब उसे खांसी आता है तो उसके आँख से पानी आ जाता है, उसे छींकें लगातार आता रहता है, तो इन सारी समस्याओं को यह सिरप ठीक कर देता है। यह सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है, यह सिरप डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है खांसी की समस्या में। जैसे कि जब किसी को सर्दी की समस्या रहती है या फिर पुराने से पुराना खांसी की समस्या रहती है या फिर गले में खराश की समस्या रहती है तो इन सारी समस्याओं को ये सिरप ठीक करता है। और जैसे कि सर्दियों के मौसम में एलर्जी कफ की समस्या रहता है तब भी डॉक्टर के द्वारा जो एलर्जी कफ की समस्या रहता है उसे भी ये सिरप ठीक कर देता है। जैसे कि अगर किसी को गीली खांसी की समस्या रहता है तो उसके सीने में कफ जम जाता है यानी उसके फेफड़ों में कफ जम जाता है तो उसकी वजह से उसे उसके सीने में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, उसे बार बार खांसता रहता है, जब वो खांसता है तो उसके मुंह से कफ बाहर निकलता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को गीली खांसी की समस्या रहती है तो ये सिरप जो उसके गीली खांसी की समस्या को बहुत कम टाइम में ठीक कर देता है। जैसे कि जो आयुर्वेदिक सिरप होता है ये थोड़ा टाइम तो लेता है आपकी दिक्कत और परेशानी को ठीक करने के लिए, लेकिन ये जड़ से ठीक कर देता है, यानी आयुर्वेदिक सिरप आपके जो दिक्कत परेशानी रहता है ये धीरे धीरे करके आपके दिक्कत परेशानी को एकदम जड़ से ठीक कर देता है। सूखी खांसी की समस्या में उपयोग किया जाता है, गीली खांसी की समस्या में उपयोग किया जाता है, या फिर गले में खराश की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं सीने में जब बलगम जम जाता है तो उस बलगम को बाहर निकालने के लिए यानी उस बलगम की प्रॉब्लम जो खांसी के साथ रहता है उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के यूज़ के बारे में बताते हैं, जैसे कि ये सिरप यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि ये सिरप बड़ों में 10 ml पीने के लिए दिन में 2 बार पीने के लिए बताया जाता है और छोटे बच्चों में 5 ml पीने के लिए बताया जाता है। ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक सिरप होता है, आयुर्वेदिक सिरप का कोई भी खास साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। और जैसे कि ये सिरप आप जब भी लें, बच्चों को अगर आप ये सिरप दे रहे हैं तो डॉक्टर के द्वारा बच्चे की दिक्कत परेशानी को देखते हुए इस सिरप का डोज निर्धारित करके बताया जाता है। जैसे कि अगर बड़ों में खांसी की समस्या ज़्यादा पुराना है तब डॉक्टर के द्वारा 10 ml दिन में 3 बार भी पीने के लिए बताया जाता है। अगर उसे खांसी की
की समस्या काफी लंबे समय से है, तब नहीं तो डॉक्टर के द्वारा इसे 10 ml सुबह 10 ml शाम को पीने के लिए बताया जाता है, और बच्चों में ये सिर्फ 5 ml सुबह 5 ml शाम को पीने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी की समस्या में अगर लेडीज को खांसी आ रहा है, तब डॉक्टर के द्वारा उसकी दिक्कत और उसकी परेशानी को देखते हुए वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार खांसी की सिरप देते हैं। और जैसे कि जब किसी को खांसी की समस्या रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा ठंडी चीज़ें परहेज करने के लिए बताया जाता है, जैसे कि आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, आपको दही नहीं पीना है, और भी बहुत सारी ठंडी जो चीज़ें होती हैं वो डॉक्टर के द्वारा बंद किया जाता है, उसे नहीं खाना होता, जैसे कि आपको चावल नहीं खाने के लिए बताया जाता है डॉक्टर के द्वारा अगर आपको खांसी की समस्या रहती है तब। इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत या फिर और कोई परेशानी है, तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर संपर्क करें, तब आप कोई भी दवा लें। कोई भी दवा कभी भी आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें।